Hey, what's up, people? क्या हाल चाल है। मेरा नाम है अभिनव और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आया हूँ 6 अमेजिंग कैमरा एप्लीकेशंस जो आपके फोन में जरूर होने चाहिए। तो फिर चलो यार राइट पे, बताता हूँ इन बेस्ट कैमरा एप्लीकेशंस के बारे में। ओके गाइज, जो पहला कैमरा ऐप है वो है लूमियो कैम। गाइज, इसका यूआई काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बिल्कुल डीएसएलआर जैसा। आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव यूआई मिल जाता है और साथ साथ में इसमें सेटिंग्स सारी चीज़ें हैं, मगर आपको इसमें कुछ ही सेटिंग्स मिलेंगे जो बेसिकली फ्री ट्रायल में अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी कैमरा ऐप को पे करके इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो आपको वो पैसा इस ऐप पर ज़रूर खर्च करना चाहिए, क्योंकि इसमें मैनुअल सेटिंग्स काफ़ी शानदार मिल जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है और सारी चीज़ें अच्छे से सेटअप है। तो जब आप इस कैमरा ऐप को यूज़ करोगे उस वक्त आपको एक डीएसएलआर वाली फील ज़रूर आएगी। तो अगर आपको एक फुल फ्लेज वर्किंग कैमरा ऐप चाहिए तो आपको इस कैमरा ऐप को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब आप लोगों में से बहुत कोई ये कहेगा कि यार ये तो पेड ऐप है तो हम इसके पूरे फंक्शंस का यूज़ कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि पेड ऐप्स को फ्री में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट कैमरा ऐप है वो है पोला। तो बेसिकली इस कैमरा ऐप में बहुत से कमाल के फीचर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप इसमें एक्सपोजर चेंज कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हो, न्यू फिल्टर को ऐड कर सकते हो, और उसके बाद इसमें कुछ क्रिएटिव फीचर्स हैं जैसे कि फेस स्वैपिंग, ओल्डिफाई एंड माई फेवरेट फीचर क्लोनिंग। इसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा और क्लोन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपको शटर बटन पे मल्टीपल टाइम्स प्रेस करना है जितने बार आपको क्लोन चाहिए। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 times क्लोन करने का ऑप्शन रहता है जिसे आप इंक्रीज़ करके 7 times कर सकते हो, तो जो पिक्चर का आउटपुट होता है वो बहुत ही रियलिस्टिक होता है। ओके, जो थर्ड कैमरा ऐप है हमारे लिस्ट में वो है सेल्फी स्मोथ। तो ये एक ऑटोमेटिक सेल्फी कैमरा ऐप है। इसमें आप जैसे ही कैमरे के सामने पोज देंगे तो ये आपकी ऑटोमेटिकली फ़ोटोज़ कैप्चर कर लेगा और आपको कोई बटन भी प्रेस नहीं करनी पड़ेगी। और आई थिंक ये प्ले स्टोर पर पहला ऐसा ऐप है जिसमें ऑटोमेटिक फ़ोटोज़ क्लिक करने का फीचर है, और ये ऐप ऑफिशियली गूगल ने लॉन्च किया है। उसके बाद आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ क्लिक हुई है आप स्क्रीन पर टैप करके उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, और उसमें से जो जो फ़ोटोज़ आपको अच्छी लग रही है आप उसे सेव कर सकते हैं या फिर सारे फ़ोटोज़ को एक साथ ही सेव कर सकते हैं। और करेंटली ये ऐप ब्लैक एंड वाइट में ही फ़ोटोज़ क्लिक करता है। ओके, जो नेक्स्ट कैमरा ऐप है वो है टेलीपोर्ट ब्लर। तो ये ऐप भी फैबी ऐप की तरह ही है। इस ऐप में आप अपने गैलरी से किसी भी फ़ोटोज़ को इंपोर्ट करके उसके बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, एंड ब्लर होने के बाद आपको नीचे एक लाइन दिखेगा जहां से आप अपने फ़ोटोज़ के ब्लर स्ट्रेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज़ कर सकते हो, और जो पोजिशन आपको सही लगता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और जो ब्लरिंग इफेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे। और सबसे ख़ास बात ये है कि इस ऐप को यूज़ करने से आपके फ़ोटो की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती है, और इवन आप इस ऐप को डायरेक्टली एज अ कैमरा यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, डू गिव इट अ शॉट। ओके, जो नेक्स्ट कैमरा एप्लीकेशन है वो है फ्यूज़ 3D। तो बेसिकली आप इस एप्लीकेशन के हेल्प से एक 3D वीडियो शूट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन में एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, और उसके बाद आप इसमें 3D वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बस आपको शटर बटन को प्रेस करना है और उसके बाद अपने फ़ोन को किसी एक डायरेक्शन में मूव करना है, और जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने फ़ोन को मूव करके उस वीडियो का प्रीव्यू देख सकते हो। इवन आप इसी ऐप में अपने क्रिएटेड वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो अगर आप कोई 3D वीडियो क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपको इस ऐप का यूज़ एक बार ज़रूर करना चाहिए। ओके, जो 6th एंड लास्ट कैमरा ऐप है वो है बेकन कैमरा। तो इस कैमरा ऐप को बेसिकली मैं मैक्रो शॉट्स के लिए प्रेफर करता हूँ। तो आपको सिंपली अपने फ़ोन के कैमरा को किसी ऑब्जेक्ट के नज़दीक ले जाना है और जो फोकस है उसे इंक्रीज़ करना है,
और उसके बाद जब आप फोटो लीजिएगा वो फोटो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा सारे पोर्ट्रेट पिक्चर से, जैसा आप स्क्रीन पे सैम्पल पिक्चर देख ही सकते हो। इवन आपको इस एप्लीकेशन में बहुत से मैनुअल मोड मिल जाते हैं, जैसे शटर स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करना, ISO को चेंज करना, वाइट बैलेंस को कंट्रोल करना, और इवन आप इसमें जिफ भी क्रिएट कर सकते हो। और इसमें आपको बहुत से सीन मोड मिल जाते हैं जिसका यूज़ करके आप एक बेस्ट क्वालिटी के फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की टॉप 6 बेस्ट कैमरा एप्लीकेशंस। तो बताओ यार कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ठोको लाइक, कमेंट फेंको, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, और सुनो ना अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले और नए एक्साइटिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।